अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं अभी रिसेप्शन में बैठा हूँ होटल के, और मैं अभी नमाज़ ज़ोर के लिए जाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शटल सर्विस वोको की कैसी है, और वहाँ पे मैं हरम भी आपको दिखाऊँगा, काबा शरीफ भी दिखाऊँगा, और वहाँ पे फिर हम और दूसरी जगह को देखेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको उसको दिखाऊँगा। तो आएँ फिर इस वीडियो को सेट शुरू करते हैं। दूसरी बात ये है कि कल मैं बहुत थक चुका था, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं, इस वजह से। तो कल उम्रा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, क्योंकि पूरे दिन का सफ़र, फिर वहाँ से दुबई, फिर दुबई से वापसी चिता आना, फिर उम्रा करने जाना, तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा भी कंप्लीट हो गया कल, और आज ही सुबह उठा हूँ मैं, और होटल पे मैंने नाश्ता किया है, और अब नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया है, तो अब मैं हरम जा रहा हूँ नमाज के लिए। तो अब आ जाएँ फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वोको की शटल सर्विस है, और अब शटल सर्विस पे मैं बैठने जा रहा हूँ। अच्छा, शटल ये 24 आवर अवेलेबल होती है इनकी। अच्छा, ली मेरिडियन की शटल और वोको की शटल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है। बस डिफरेंस है तो ये स्टिकर का, वोको का, वोको होटल का लगा होगा, ली मेरिडियन का, ली मेरिडियन का लगा हुआ होगा। अब इस शटल में बैठने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी बसेस हैं ना, इस क्लॉक टावर के नीचे हमें उतारती हैं। जितनी भी होटल हैं ना जो शटल सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही हैं, उन सब की शटल सर्विस यहीं आके रुकती हैं। अलग अलग होटलों का नाम है, वोको की है, दूसरी होटल्स की हैं, जितनी हॉलीडे इन की है, और सबकी जितनी भी शटल्स हैं ना, सब यहाँ पे आके, ये बस स्टैंड बना हुआ है, ये क्लॉक टावर के नीचे उतारती है और यहाँ से ही ले जाती है। अच्छा, अभी मस्जिद है हरम आ चुके हैं हम, और ज़ोर की नमाज़ अदा करने के लिए आया हूँ मैं, तो बस ज़ोर की नमाज़ अदा करेंगे यहाँ पे, और फिर इसके बाद और मस्जिद में बताऊँगा। अभी यहाँ पे ज़ोर की नमाज़ की अज़ान हो गई है, अब बस जमा शुरू होने वाली है। अभी हम हरम के अंदर चलते हैं मस्जिद के, और माशाल्लाह से ये जमजम का पानी, और इसकी पीने की है ना एक फीलिंग ही अलग है, तो इसको आप मिलता। ये हर जगह पे यहाँ पे कूलर जमजम के लगे हुए हैं, और आप यहाँ पे जमजम का पानी पिए, बहुत ही बेहतरीन होता है, बस पीते ही रहें, मन ही नहीं भरेगा। और अभी यहाँ पे आप देखें, कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग इस मस्जिद के अंदर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहे हैं, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, सब अपनी इबादतों में लगे हुए हैं। अल्लाह हम सबको यहाँ पे हाज़िरी बार बार नसीब करें, आमीन। अल्लाह से आप यहाँ का मंज़र देखें, कितना ज़बरदस्त है, कि यहाँ से आपको जाने का दिल करेगा ही नहीं, आप कहेंगे कि बस मैं यहाँ ही रहूँ, क्योंकि इस जगह की कुछ बात ही अलग ऐसी है जो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलती, और जो इस मस्जिद का सुकून है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ले जाता हूँ काबा शरीफ की तरफ, तो हम काबे का मंज़र देखें और वहाँ पे रह के हम दुआएं करें। सुकून पाया। आप लोग भी काबा शरीफ देख के दुआ कर लीजिए, और अल्लाह हम सबको इस जगह पे बार बार बुलाओ, और हम इस जगह पे बार बार आएँ,
और हम सबकी गुनाहों की मगफिरत फरमाए। आमीन। सेकेंड फ्लोर है और यहाँ पे भी देखें लोग तवाफ कर रहे हैं काबे की शरीफ का। तो अब तो ये हो गया कि अब आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जब ही जा सकते हैं जब आपने एहराम पहना हो, बगैर एहराम के आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी लोग देखें अपना अपना तवाफ कर रहे हैं। जमजम का पानी पीजिए। पिल गया ये बाहर निकलने का रास्ता है। अब मैं हरम शरीफ से बाहर निकलने लगा हूँ और अब हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर का मंजर देखेंगे। मक्का टावर, ये क्लॉक टावर है और ये मक्का टावर और ये जबले उमर और ये हरम वाला का हरम का रास्ता। अच्छा, और इस तरफ हम देखें तो ये यहाँ पे ये जा रहा है अजियाद रोड और ये बिल्कुल हम अगर हम स्ट्रेट चले जाते हैं तो इब्राहिम खलील रोड आ जाता है। ये देखें ये हरम का व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अजियाद रोड जा रहा है और यहाँ पे हम पाकिस्तानी होटलें भी हैं यहाँ पे और बांग्लादेशी होटल्स भी हैं तो खाने की यहाँ मिल जाती है। और दूसरी बात है यहाँ पे रेट्स कम है हर चीज़ों के, होटल्स के और इस चीज़ों के, और यहाँ पे ये बताया नहीं जाता लोगों को और ना ये होटल हमें देखी होती है। हम सिर्फ इब्राहिम खलील रोड और उस तरफ वाली रोड ही हम देख रहे होते हैं कि यही होटलें हैं। मगर आप जब ये उल्टी साइड पे जो अजियाद का रोड है यहाँ पे कोई इतनी इसकी बता ही नहीं जाते और ना इसके बारे में इतना रिव्यू दिया जाता है। ये हरम से करीब भी पड़ती है और ये रोड भी अच्छी है और आपको ये बिल्कुल ही करीब में एक अच्छी होटल मिल जाती है मुनासिब कीमत में। अब ये होटल का इस वजह से बता दें क्योंकि ये होटल हैं थोड़ी ऊँचाई पर तो हमें देखें अब जब हम इधर आएंगे तो थोड़ी मुशक्कत तो है ही। अब आप इब्राहिम खलील रोड पे भी तो चल ही रहे हो और यहाँ पे भी आपको ही चलना है। अभी थोड़ा सा और है मगर आप इन होटल्स की देखें और यहाँ पे होटल लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये लोग जमजम का पानी भी दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं इसे। शुक्रिया। ये रोड जो कहलाते हैं ना, देखें ये अल अजीजिया मीना का रोड है ये। और आप ये देखें ये मस्जिद हरम, क्लॉक टावर और ये मीना का रोड। अच्छा, जो हाजी हज के लिए भी जाते हैं वो यही रोड इस्तेमाल करते हैं मीना जाने के लिए। पे आपको देखें ये मिल जाएगी सिम्स
अगर आपने सिम्स लेनी हो। अच्छा 15 दिन के लिए चलेगी। अच्छा 15 डेज, 15 ये 15 दिन है, 15 GB इंटरनेट और आपको 50 कॉल मिल जाएंगी उसमें, और ये है 58 रियाल्स। अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे हम जैसे कि पाकिस्तानी है ना हम लोग, तो हमारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम यूफोन की सिम लें और उसको ही रोमिंग कराएं। तो मेरी ये रोमिंग हुई भी है यूफोन की सिम ना, तो आप इनका 500 रुपये का पैकेज है जिसमें हमें मिल जाती हैं 1000 MB मतलब 1 GB। और एक ये इब्राहिम खलील रोड का कबूतर चौक जो कहलाता है वो ये जगह है, ये पॉइंट है। ये देखें, ये पूरा रोड इब्राहिम खलील का जा रहा है, क्लॉक टावर है, ये हरम का रास्ता, और ये इब्राहिम खलील रोड, और ये है कबूतर चौक। अच्छा मैं अभी हरम से निकल के और मैं जा रहा हूँ अपनी होटल पे शटल सर्विस के ज़रिए। तो ये हरम है और ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, और ये बेसिकली नीचे जो है ना ये क्लॉक टावर के नीचे की बैक साइड है, बेसमेंट है क्लॉक टावर का। ये ऊपर क्लॉक टावर है और ये इसका बेसमेंट है। अच्छा यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चले जाते हैं, यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी आ जाती हैं, आपको इस तरह से मिल भी जाएंगी। ये आइसक्रीम शॉप है और ये देखिए ये बेकरी है। यहाँ पे शोरमा है कि हम यहाँ पे वोको पे आते हैं और शटल पे उतर जाते हैं क्लॉक टावर के नीचे। अच्छा वापसी भी हमें ही यहाँ से ही मिलती है और 10 मिनट की हमें टाइम लगता है वोको पे जाने के लिए। तो यूँ होटल तो बहुत अच्छा है मगर बीच पे ट्रैफिक भी मिल जाता है हमें, और तो इस वजह से शटल मैं कहूँगा कि ली मेरिडियन की ज़्यादा शटल अच्छी है नस्बत वोको के, क्योंकि वोको की होटल भी अच्छी है मगर वोको की शटल में मुझे अभी अच्छा लगा। पिछले साल जो मैं आया था वो मैं आया था ली मेरिडियन टावर्स पे, जो इनकी शटल की स्टैंड दोनों के एक ही जगह पे, मगर आप को मैं अभी वीडियो पे बताता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ली मेरिडियन की शटल पे और वोको की शटल पे। ये देखिए ये शटल सर्विस का स्टैंड है और यहाँ पे 5-6 होटल्स हैं जो उनकी शटल जाती हैं। कबूतर वो कबूतर चौक वहाँ पे है और कबूतर चौक की इस तरफ बीच में रास्ता बंद है, कबूतर चौक की इस तरफ आपको शटल सर्विस मिलती है। तो आपने समझे कि हरम से कबूतर चौक की तरफ तक तो आपने चलना ही चलना है आपको अपनी शटल लेने के लिए। इसके बाद अपनी शटल अब लें और हर अपनी होटल चले जाएं। बस नमाज के दौरान ये है हमें प्रॉब्लम होती है कि ज़ाहिर है जब शटलों का एक साथ रश लग जाता है तो उस पर टाइम लगता है आने जाने में। तो आपको ये इसमें शटल पे ये है, आप अगर इब्राहिम खलील रोड पे या मिस फला रोड पे अगर आप हैं तो आप जैसे उतरे और आप अपने नीचे नमाज शुरू कर दी, मगर इसके लिए आपको अपनी होटल से 15 से 20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा। ये देखिए ये है क्लॉक टावर, इसी के नीचे ही शटल सर्विस है सारी, और चल रही। अब हम बैठते हैं शटल पे। ये होटल्स के आगे स्टिकर्स लगे होते हैं कि इसकी किसकी बस है, तो आपने बिल्कुल ही वो देख के बैठना है, वोको की ये बात। ये देखें ये शटल पे सब बैठ गए और हमें जगह नहीं मिली। अब ये शटल इनकी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब आप देखें ये शटल स्टार्ट हो गई है और अभी ये देखें ये इसका एक टनल बना हुआ है ना,
ये टनल सिर्फ शटल के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे कोई प्राइवेट टैक्सी इस तरह से नहीं आ सकती, ना कोई और दूसरी कोई बस वगैरह होटलों की उस तरह से आ सकती है। ये सारी होटल के लिए शटल सर्विस जो होती है, जो इनकी प्राइवेट वो होती है, मगर ये शटल आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लेगी कि आपने इसके चार्जेस अदा करने, इस तरह से नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है होटलों की तरफ से। और हर होटल की अलग अलग है, जो बिल्कुल ही आप समझे कबूतर चौक से लेके आपको यहाँ पे पहुँचा देती है ली मेरिटन टावर, सबसे पहली होटल आती है शटल पे। तो इसलिए लोग ज़्यादा ही प्रेफर कर रहे होते हैं कि ली मेरिटन होटल की शटल ज़्यादा बेहतर है, वो इसीलिए बेहतर है। मगर ये ओपो की जो शटल है ली मेरिटन से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि देखें इसके बीच में आता है रोड, इसके तीन सिग्नल्स भी आते हैं, तो तीन सिग्नल्स को क्रॉस करके फिर ये होटल आती है। और इन होटल्स के अगर डिफरेंस देखा जाए तो अब शटल का ही फ़र्क है, बाकी होटल दोनों ही अच्छी हैं।